फारूखी ने फ्लाइट पकड़ ली है। अभी अभी मुनव्वर फारूखी मुंबई के एयरपोर्ट पे दिखाई दिए हैं। हालांकि उससे पहले जो है गाड़ी में भी काफी म्यूजिक म्यूजिक बजते हुए गाते हुए जो है उन्होंने एक स्टोरी डाली थी। तो आखिरकार कहाँ जा रही हैं मुनव्वर फारूखी? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को मन करता है कि आप लोग उनके बताने से पहले, सबके जानकारी आने से पहले आप लोग जान लो, क्योंकि जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पर ज़रूर मिलता है, इसीलिए आप लोग तो यहाँ पर आते हैं। तो गाइस, जो मुनव्वर फारूखी हैं उनके साथ एयरपोर्ट पे राघव को देखा गया। राघव कौन है? राघव वही हैं देसी म्यूजिक फैक्ट्री के, जो जिनको एक्चुअली में मनारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार के साथ चंडीगढ़ में देखा गया था। तो देसी म्यूजिक फैक्ट्री के ऑनर हैं, तो जिसके कारण जो है इनके साथ हमेशा रहते भी हैं, एल्विश के साथ भी। और अगर मैं याद करवाऊं तो आप लोगों को, लॉकअप से निकलने के बाद मुनव्वर फारूखी ने देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ ही पहला गाना किया था, और वो भी नाजिला को लेके। तो नाजिला और मुनव्वर का पहला गाना इसी चैनल पे आया था, जो कि प्ले DMF है। तो अब जो है प्ले DMF वाले जो है चंडीगढ़ में शूटिंग करते हैं ज़्यादातर। तो चंडीगढ़ में भी हो सकता है कि इनकी फ्लाइट जो है चंडीगढ़ लैंड हो रही हो सकता है कि गोवा लैंड हो रही हो, क्योंकि इन दोनों में से जो है एक जगह पर तो इनकी शूटिंग ज़रूर चलती है। ज़्यादातर शूटिंग्स जो है, शूटिंग सेट जो है वो चंडीगढ़ में है। तो अब राघव जो है लेके चल पड़े हैं मुनव्वर फारूखी को। और तो और अभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी आ सकती है कि भाई आयशा खान और मुनव्वर फारूखी साथ में एक काम कर रहे हैं, अब देसी म्यूजिक फैक्ट्री पर गाना आएगा। पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि बसी पठान में जो है आयशा खान भी 2 दिनों से पंजाब में ही मौजूद है, और अब ये पंजाब जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी ज़रूर हो सकती है। क्या होगा, जो भी होगा भाई पहले ही मैं सब लोगों को बता दूंगी जो भी होगा। पर अभी तो फ्लाइट में बैठे हैं मुनव्वर फारूखी, अब पहले पहुंचने तो दो, सब चीज़ें होने तो दो। फ्यूचर का कैसे बता दूँ, पास्ट का तो बता सकती हूँ, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो बता सकती हूँ, पर फ्यूचर का मैं भगवान नहीं हूँ भाई, फ्यूचर जानने वाली। जैसी जो चीज़ें होंगी आप तक पहुँचा दूंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।